लिए भाई, ये रामायण नहीं है, ये मूवी है। तो रामायण और मूवी में बहुत फर्क है। आप सब लोगों को ये नहीं दिखता कि प्रभास ने कितनी मेहनत कर रखी है? उसके डायलॉग्स नहीं देखे आपने? उसके फेस एक्सप्रेशंस नहीं देखे? और ऊपर आप देखो, अगर मैं कहीं ना कहीं रावण की बात करूं, राम राम जी, स्वागत है नई वीडियो में। तो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा भाई कि हम जयपुर से वापस आ गए थे, और वापस आने का रीज़न भी आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे 24 आवर बारिश होने वाली थी बहुत ज़्यादा। वो गवर्नमेंट का अलर्ट आ गया था, रेड अलर्ट। तो अभी क्या है कि अभी हम चल रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि अब वहाँ पे तो कुछ घूमने का था नहीं। तो अभी सोचा कि एक दो दिन चंडीगढ़ और लगाएं, क्योंकि चंडीगढ़ में वाटर पार्क भी है, चंडीगढ़ में तो एक दो जगह भी हैं देखने की। तो अभी क्या सीन है कि अभी हम सीधे चंडीगढ़ चल रहे हैं। अभी दोपहर नहीं, दोनों दोपहर, अभी सुबह के बज रहे हैं 10, और अब हम घर से निकल रहे हैं और सीधे चलते हैं चंडीगढ़। आप साथ बने रहिए, दिखाते हैं। तो भाई कल तक तो हम मर्सिडीज में ही चल रहे थे, और आपको रीज़न भी पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अब मैं थार को ही लेके चल रहा हूँ। तो सामान तो रख दिया है, सामान आ गया, और आज बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है भाई, कि सुबह उठ के मैंने साफ़ भी नहीं करी। इसको साफ़ कर लेता तो बढ़िया रहता, बट ये है कि अब बारिश के सीज़न में थार से अच्छा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थार को ही लेके चलूँ यार। क्योंकि मर्सिडीज़ को लेके जाते हैं ना तो पंगा क्या है कि कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कहीं पानी भरा होता है, कोई कुछ भरा होता है, तो उससे डर भी रहता है कि ऐसा ना हो कि भाई वो पानी में चली जाए, और पानी में जाने के बाद मर्सिडीज़ ख़राब हो जाती है, आपको पता ही है। तो बेटर है कि अब थार ही ले चलता हूँ भाई, थार से अच्छा कुछ नहीं है इस वाले सीज़न में, थार से अच्छा कुछ है नहीं। तो भाई सफ़र की शुरुआत कर दी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी को थोड़ा 2-4 मिनट ऑन कर लेते हैं। और ये टायर प्रेशर कम दिखा रहा है, तो अभी जाके पिछले वाला टायर में हवा भी भरवानी है भाई, प्रेशर कम दिखा तो हवा भी भरवानी पड़ेगी। आ जा भाई, तू क्या सामान लिया? ओह वेरी गुड, बैठो, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी ने जबरदस्त रेल बना रखी है। अभी ये भी लगा लेता हूँ साइड में, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन है था, उसमें मर्सिडीज़ में तो ऑप्शन नहीं था भाई। मर्सिडीज़ में तो इधर से धूप आती है बहुत ज़्यादा, ये वाले मर्सिडीज़ के लिए मैं बनवा रखे थे। अब रेगुलर तो थार ही यूज़ करता हूँ, मर्सिडीज़ तो कम ही यूज़ करता हूँ, इसलिए इसको बनवाने रखा था। बाकी अब थोड़ी देर एसी ठंडा हो जाएगा, 5-7 मिनट में हो जा चिल्ड भाई, जल्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई मर्सिडीज़ में तो भाई ने टैंक फुल करवा दिया, आज हम बिल्कुल भी डीजल ना है, तो अब डीजल तो मुझे भरवाना पड़ेगा, कि अगर ये भाई पे होती तो भाई डीजल भरवा कर देता, तो अब मैं खुद ही भरवाना पड़ेगा। अभी आकर भी टैंक फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि अब चंडीगढ़ तक तो लग ही जाएगा, कितना लगा, एक टैंक तो लग ही जाएगा शायद। देखो वैसे तो एवरेज इसकी भी ठीक है, मर्सिडीज़ की 17.3 दी थी मर्सिडीज़ ने कल, जब मैंने नापी थी, जब कल वापस आए थे तो लास्ट में नापी थी मैंने, 17.3 दी थी। अभी इसकी एवरेज तो 14.8 तो वैसे दे ही रही है, बाकी भाई हाईवे पर कितनी देगी वो एग्जैक्ट चलाने के बाद ही पता लगेगा। लिए बाबा फुल करियो, लो फुल कर दो। क्या रेट है आज? 90-35 आज का रेट है, 90-35 डीजल का रेट रोज उठता नीचे ऊपर नीचे उतर रहा है। तो अभी आप फुल करवा देता हूँ, फुल कर दो जी, अभी देखते हैं कितना आता है इसमें। बत्ती जली हुई थी बिल्कुल ही, बिल्कुल बत्ती जली हुई थी भाई इसकी, अभी कितना आएगा देखने के बाद पता लगेगी। तो भाई डीजल आया 50 लीटर, 4520 रुपये का 50 लीटर आ गया भाई डीजल है हमें। तो इस वाले टायर में एयर प्रेशर भी कम था, तो अभी सोच लेता हूँ इसमें ना एयर चेक करा देता हूँ प्रॉपर। वैसे मैं नाइट्रोजन ही भरवाता हूँ, तो अभी नाइट्रोजन भरवा देता हूँ भाई। डीजल गिरवा लिया है 4500, एक में इसमें कम है इस वाले में। कितने करेगा? 34-35 चल रहा ना, चल लो, एक पंप ही नहीं चल रहा भाई, स्टार हटा रखा हूँ भाई, हम करवा लेता हूँ, फिर बाकी में तो हवा ठीक है, एक वाले में प्रेशर कम है। चलो तेरा कर दे, 35 कर तो ले,
ओके 35 भर रही है हमें, ये एवरेज टाइम बिल्कुल कम दिखा रही है। भाई मैंने वहाँ पंप पे ट्रिप जीरो कर ली थी, 1.1 किलोमीटर हो गया है, तो आज मैंने जीरो कर ली। देख लेते हैं कि कितनी एवरेज निकालेगी, एग्जैक्ट कितनी एवरेज निकाल पाएगी, क्योंकि अभी मैंने टैंक भी फुल करवा लिया, 50 लीटर तो आ गया है इसमें, पूरा 50 लीटर डीजल आ गया। तो अभी वैसे चल रहे हैं, गर्मी ठीक ठाक हो रखी है, बाहर का टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है, मर्सिडीज में शो करता है, यहाँ भी शो करता है, पर इसको सेटिंग छेड़नी पड़ती है, मैंने सेटिंग में हाथ नहीं लगा रहा, अभी ड्राइव कर लूँ। बाहर वैसे अच्छी खासी गर्मी है, टेम्परेचर ठीक ठाक हो रखा है आज बाहर, बाकी फरीदाबाद का टेम्परेचर तो ठीक है, अब चंडीगढ़ जाके पता रहेगा टेम्परेचर क्या है, कि वहाँ बारिश है या फिर अच्छा मौसम है, कैसा मौसम है। बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको। और वैसे भी अभी टाइम तो कम ही हुआ है, लंच का टाइम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जल्दी से वहाँ पहुँच के, मुरथल पहुँच के लंच करेंगे, या फिर टेक अवे भी ले सकते हैं रास्ते में, देखते हैं। अभी तो यहीं पर काफ़ी ट्रैफिक है, यहाँ से यूटर्न लेने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक ठाक ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। भाई एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको, हम जा रहे थे दिल्ली की तरफ से, और वहाँ पे क्या हो रखा है कि वो जो अपोलो वाला फ्लाईओवर है उन्होंने बंद कर रखा है, और अपोलो वाला फ्लाईओवर बंद कर रखा है, तो फिर वो दूसरा वाला रोड खोल रखा है, और दूसरे वाले रोड से बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ रहा था। पहले तो मैं सुबह सोच ही रहा था कि नोएडा की तरफ से निकल जाऊं, तो अब जब अपोलो वाला फ्लाईओवर बंद था तो मैं एनएचपीसी से यूटर्न लेके आ गया, और ये नोएडा की तरफ से निकल गया, क्योंकि अगर अब मैं वहां से जाता हूँ दिल्ली की तरफ से तो काफी लंबा जाम है, और वैसे भी दिल्ली में आपको पता है मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि दिल्ली को अवॉइड ही करूं, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि दिल्ली में सब जगह तो कैमरा लग रहे हैं भाई, सब जगह कैमरा लगा रखे हैं, सब स्पीड के सब जगह कैमरा लगा रखे हैं, और ये समझ में नहीं आता कहाँ पे 60 की है, कहाँ पे 40 है, कहाँ पे 50 है, तो ये तो सबसे बुरा ही कर रखा है हाल ना, कैमरों का जो इतना बड़ा हाल कर रखा है ना दिल्ली में, 40, 50, 60, या तो भाई एक ही स्पीड कर दो कि भाई सारे में 60 की स्पीड है, या एक ही स्पीड कर दो सारे में 70 की स्पीड है, सारे में 80 की स्पीड है, भाई सब जगह ना अलग अलग, कहीं 60 की स्पीड कर रखी है, कहीं 40 की स्पीड कर रखी है, कहीं 30 की स्पीड कर रखी है, और भाई गलती से थोड़ा बहुत पंजा दबा दो तो फट से चलान घर आ जाता है। तो फिर मैंने वैसे मोस्टली कोशिश करता हूँ कि दिल्ली को अवॉइड करूँ, मोस्टली 100% कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं दिल्ली को अवॉइड करूँ, या आउटर से निकल जाऊं, कोशिश यही रहती है। पर आज तो वैसे भी ठीक ही रहा कि जब वो अपोलो वाला फ्लाईओवर ही बंद है तो वहां से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी भाई क्या है कि पीछे बाईपास की तरफ से चल रहे हैं और सीधा नोएडा में एंट्री कर लेंगे, और नोएडा से फिर सीधा वो वाला हापुड़ वाला हाईवे पकड़ के, और सीधा वो उसमें कुंडली मानेसर में कनेक्ट हो जाता है, तो वहां से उस पर कनेक्ट कर लेंगे, वो सीधा अपना उधर चंडीगढ़ वाले रोड पे निकाल देगा। तो अभी चलते हैं, बने रहिए साथ में। भाई केएमपी पे चल रहे हैं, अपना बढ़िया क्रूज कंट्रोल लगा रखा है 98 पे, क्योंकि यहाँ स्पीड 100 की है तो अपना क्रूज कंट्रोल लगा लो 98 पे, कल स्पीड 120 की तो वहाँ 120 पे क्रूज कंट्रोल लगा रखा, आज मैं थार लिया, थार में अपने ही फन है, थार का भी यार मर्सिडीज अपनी जगह है, थार अपनी जगह है, बट यू है कि अब बारिश की वजह से थार भी लानी जरूरी, तो आप पता ही है कि बारिश में मर्सिडीज का क्या हाल हो जा। देखिए भैया कट मत मार रहा है, यमदूत कहाँ कट मार रहा है, ये यमदूत भी तो बहुत चला है रोड पे, ये अपना आराम से क्रूज कंट्रोल आके बैठ जाओ, टक ऊपर कैमरा लग रहे, ये पीछे भी कैमरा भी भाई सही लगा रखे हैं, चलान टक्कर आ जा। आप तो मौसम ठीक हो रखा है बाहर, ज्यादा गर्मी ना सर्दी, पर धूप ठीक ठीक ही लग रही है मुंह तो, बस अब यहां से वो उस पर कनेक्ट हो जाएंगे चंडीगढ़ वाले पे, और मेरे हिसाब से टाइम भी होने वाला, खाने का 1:30 तो बजी गया है, हमें ट्रैफिक में वहां फंस गए हम, जो दिल्ली से वहां पीछे से आए नहर वाले रास्ते से, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, वहां फंस गए यार हम, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये लिख रही ना स्पीड 120 स्पीड है भाई गाड़ी की, तो मतलब 120 भी हम भगा सके यहाँ, तो अभी आप बढ़ा लें थोड़ी सी, 99 100 102 103 104 105 110 तक ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल में रहे फिर ना गाड़ी। अब भाई थार है मसली से जल्दी कंट्रोल में आ जा, थार तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल में आनी, तो ठीक है मतलब 110 भी ठीक स्पीड है, ये देखो 110 भी ठीक ही भाग रही है, 117 116 चल रही है, मेरे हिसाब से वही ठीक ही पहले वाली,
ज़्यादा तेज में कौन सी गाड़ी क्यों आ जाओ, दिक्कत दे जा। तो भाई अभी मुरथल पे आ गए हैं खाना खाने के लिए, देख सकते हो रश ठीक ठाक हो रखा है मुरथल पे। अभी ऑर्डर कर दिया खाना, बस थोड़ी देर में खाना आ जाएगा और खाना खा के निकलेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी खाने का टाइम हो ही रहा है, दो बज चुके हैं, खाने का टाइम हो रखा है। देखो इसका उसने ब्लॉग के लिए प्रॉपर स्टैंड बना रखा है, चश्मे भी मेरे लगा रखे हैं मेरी ग्लास लगा रखे हैं दूसरे वाले, ठीक है। ये देखो, तो बस अभी खाना खा लेते हैं फिर खाना निकलते हैं, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है यार बहुत तेज से। यहाँ कभी भी सुखदेव पे कभी आ जाओ, इतना ही रश मिलता है हमेशा, किसी टाइम आके खड़े हो जाओ इतना ही रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई। फाइनली खाना तो खा लिया है सुखदेव पे, और बिल का क्या ही बताऊँ कितना बिल आया था। अभी जब हम बैठे हुए थे तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर और वो गडकरी सेंट्रल मिनिस्टर, वो दोनों आए थे अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई आज सोनीपत में रैली वैली थी, तो इस चक्कर में आए हुए थे यहीं, शायद खाना वाना भी उन्होंने यहीं बैठ के खाया था। तो जब वो निकल रहे थे तो मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसे मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी क्या कि ये वाली आइसक्रीम ट्राई करने वाले हैं, अभी क्या इसने आइसक्रीम तो ले ली है, अब ये गेम खेलने वाला है, अब ये गेम खेलने वाला है, अब ये गेम खेल रहा है। ले भाई इसको खिला दे गेम, अरे गेम जीत गया तो अभी पकड़ के दिखा ना, पकड़ के दिखा अभी ना पकड़ेगा तो मैं पकड़ लिया। भाई गाड़ी साफ करा ली मैंने, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी, अब देखो चमक टनाटन होगी गाड़ी, अब ठीक है, थोड़ी गंदी थी तो अब थोड़ा बस तो गई, सफाई सुबह करते कितनी अच्छी लग रही है, टकाटक लग रही है। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं पंचकुला, पंचकुला पहुंच के हमने एक रूम ले लिया, बेसिक सा रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है, लेकिन एसी वेसी सब कुछ, 3 बेड, एसी, वॉशरूम, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मैं अगर आपको रूम का रेट बता दूँ तो आप चौंक जाओगे भाई, बिल्कुल मेन पंचकुला सेक्टर 10 में, इतनी टॉप की लोकेशन पे, बिल्कुल मार्केट के साथ में लगता है रूम का, अगर मैं आपको रेट बता दूँ तो आप शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं वो रेट आपको, क्योंकि ये रेट सिर्फ स्पेशल रेट है और स्पेशल लोगों के लिए। और भाई हमें यहाँ से टोटल लगे, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ पंचकुला के बारे में, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो टूवर्ड दिल्ली टू पंचकुला, तो आपको एक आजकल एक नया रास्ता है, वो सीधा जैसे ही आप शाहबाद क्रॉस करोगे, शाहबाद क्रॉस करते ही राइट में सहा के लिए एक रास्ता मुड़ रहा है, आप उस रास्ते पे हो जाओ और वो सहा से सीधा उस वाले हाईवे, आप उस रास्ते पे मुड़ोगे तो वहां से टोटल 14 किलोमीटर मेन हाईवे से और 14 किलोमीटर सहा आके, सहा से एक और हाईवे है नया जो पंचकुला से देहरादून जा रहा सीधा, तो उस हाईवे में आप कनेक्ट हो जाओगे और सीधा आप पंचकुला आ जाओगे, और वहाँ उस हाईवे के अकॉर्डिंगली आपको अम्बाला जाने की जरूरत नहीं है, आपको पंजाब में घुसने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो कट है, जैसे ही शाहबाद क्रॉस करोगे, शाहबाद क्रॉस करते ही वो कट है आपके राइट में आएगा, शाहबाद क्रॉस करते ही शाहबाद का फ्लाईओवर है, वो क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते ही आपको लेफ्ट हैंड में हो जाना है और फिर फ्लाईओवर के राइट में ले लेना है ट्रेन, वो सीधा आपको वो देहरादून वाले हाईवे में कनेक्ट कर देगा और सीधा आपको पंचकुला पहुंचा देगा। ये शिमला जाने के लिए बहुत बेटर रास्ता है और ये पंचकुला आने के लिए बहुत बेटर रास्ता है। तो भाई आज हम इसी रास्ते से आए हैं, टोटल हमारे 4 टोल लगे हैं अभी फरीदाबाद से और पंचकुला पहुंचने में, टोटल मेरे 4 टोल लगे हैं, वैसे तो 5 टोल लगते हैं, 1 टोल फ्री हो गया बिकॉज ऑफ मुख्यमंत्री, क्योंकि जब हम वहां से चले खाना खाने के बाद तो मुख्यमंत्री की गाड़ी हमारे पीछे थी, तो जैसे ही हमने करनाल वाले टोल पे पहुंचे तो एग्जैक्ट मेरे पीछे बिल्कुल मुख्यमंत्री का काफिला था, तो उन्होंने वो टोल ऐसे ही खोल दिया और वहां पे मेरा टोल नहीं कटा, तो 1 टोल वो बच गया मेरा, बाकी टोटल 4 टोल लगे हैं मेरे भाई पंचकुला आने तक। तो अभी बस पहुंच गए हैं पंचकुला और अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि थके हुए हैं थोड़े से, थक भी गए थे ज़्यादा यार, गाड़ी चला चला के मैं थक भी गया थोड़ा सा,
तो अभी रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करके फिर शाम का प्लान है, शाम को बताऊंगा आपको। वैसे तो अभी तो प्लान है कि जाके आदिपुरुष देख लें, क्योंकि अभी बोल रहे हैं सारे लोग के जाके आदिपुरुष देख लेते हैं, तो अभी विचार यही है कि जाके हम आदिपुरुष भी देख सकते हैं मूवी, और नहीं देखेंगे तो मॉल वॉल घूम के खाना वाना खा के फिर वापस आ जाएंगे। और कल का अलग प्लान है, वो कल का प्लान आपको कल ही बताऊंगा, तो तब तक बने रहिए साथ। भाई अभी आ गए मूवी देखने, क्योंकि अभी मूवी का टाइम था, तो मैं सोचा मूवी देख लें। मूवी का टाइम है 6:07 और अभी हैं 12-15 मिनट, तो मैं सोचा कि मूवी देख लेते हैं, आदिपुरुष लगी हुई है वो वाली मूवी देख लेते हैं यार। पहले पंचकुला में एक ही सिनेमा होता था, वो बंद हो गया शायद, एक नया खुला है अभी राजन सिनेमा का, कुछ नया खुला है। भाई हम आ गए आदिपुरुष देख रहे हैं, अब आदिपुरुष देख लेते हैं, और देखने के बाद ही बता पाऊंगा रिव्यूज तो कैसे हैं आपको, कि मोस्टली लोग बैड रिव्यूज ही दे रहे हैं इसके ना, कि आदिपुरुष के रिव्यूज अच्छे नहीं, रिव्यूज अच्छे नहीं। तो भाई मैं तो देखने के बाद ही बता पाऊंगा, मैं उससे पहले नहीं बता पाऊंगा कि कैसे रिव्यूज हैं, क्योंकि जब तक खुद ना देख लो तब तक तुम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट मूवी है कैसी। पूरे उस पे इंटरनेट पे ट्रोल हो रहा है कि भाई हनुमान जी ने ये बोल दिया, राम जी का ऐसा ऐसा सीन है और रावण का ऐसा सीन है, बट अभी देखने के बाद एग्जैक्ट पता पड़ जाएगा कि ये सीन है क्या, एग्जैक्ट सीन है क्या। तो बस आ गए हैं, 7 o'clock मूवी है भाई। तो अभी फिल्म देख के आया हूँ, और भाई फिल्म में ना ये लोग कुछ भी बोले जाएं, कुछ भी बोले जाएं, कोई भी कमी नहीं है भाई फिल्म में, 1% भी कमी नहीं है। इतनी आसानी से लोग बोल देते हैं कि हनुमान जी ने ये डायलॉग बोल दिया, हनुमान जी ऐसे दिखा दिए, रावण ऐसा दिखा दिया, और राम ऐसे थे ही नहीं, राम को ऐसा दिखा दिया। भाई आप सब लोगों के दिमाग में, जो ये लोग मूवी देख के आए हैं या जो लोग ये रिव्यूज दे रहे हैं, उन सब के दिमाग में ना एक चीज़ चल रही है भाई, उनके दिमाग में रामायण चल रही है। भाई ये रामायण नहीं है, ये मूवी है। तो रामायण और मूवी में बहुत फर्क है। आप सब लोगों को ये नहीं दिखता कि प्रभास ने कितनी मेहनत कर रखी है, उसके डायलॉग्स नहीं देखे आपने, उसके फेस एक्सप्रेशंस नहीं देखे। और ऊपर आप देखो, अगर मैं कहीं ना कहीं रावण की बात करूं, तो इतनी जबरदस्त मेहनत करी है ना उसने, सैफ अली खान ने, जिसकी हद नहीं भाई। उसके डायलॉग डिलीवरीज इतने अच्छे हैं, जिसके मतलब परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी है सैफ अली खान के, उसमें कोई भी 19-20 भी कमी नहीं लगी मुझे कहीं भी, लोग कह रहे हैं कि। और फिर एक जबरदस्ती का एक ह्यूमर बना रखा था कि हनुमान जी ने डायलॉग बोला कि ये कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसमें, कहीं भी बाप का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, ये बिल्कुल ही झूठ है। लोग जबरदस्ती के ह्यूमर फैला रहे हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई मूवी। और पूरी मूवी जब तक आप देखते रहोगे, आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि पूरी मूवी में कहीं आप बोर हो रहे हो, या आपको वहां से हटने का मन कर रहा है, कि आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं मूवी ना देखूं। भाई मुझे तो कुछ ऐसा मूवी में लगा नहीं। जबरदस्ती के लोगों ने पता नहीं क्या ह्यूमर फैला रखी है मूवी को लेके। भाई मैं इसलिए स्पेशली आज मूवी देखने गया, क्योंकि मैंने इसके इतने रिव्यूज लोगों के लिए, इतने रिव्यूज लिए, जिसको देखे भाई इन्होंने हमारे हिंदुत्व के लिए गलत कर रखा है, राम जी ऐसे नहीं थे, हनुमान जी ऐसे नहीं थे, भाई उन्होंने क्या गलत कर रखा है। भाई मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को देखो कि भाई आप उसको रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर मत करो। उन्होंने एक रामायण एक सीरियल बनाया था, जो कि उस समय उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी उन्होंने वैसा ही लेके बनाया था। अगर मैं आज की बात करूँ, आज वो मूवी बनी है, आज 2023 में, 2023 कितना एडवांस है। आप बात करो पिछले 20 साल पुरानी, 20-25 साल पुरानी रामायण की बात करो, 25 साल पहले क्या होता था, आज 25 साल बाद क्या है। 25 साल पहले भाई लोग शॉर्ट नहीं पहनते थे, आज लोग शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं। भाई 25 साल पहले लोग धोती कुर्ते में पहन के घूमते थे, आज आप धोती कुर्ता पहन के क्यों नहीं घूम रहे हो। भाई ये लोग समझते नहीं है, और ऐसी इतनी आसानी से लोग बोल देते हैं, लोगों को ये नहीं दिखता कि उन लोगों ने कितनी मेहनत कर रखी है, आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की है, डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की उस चीज़ को लेके, एक एक शॉट्स। और मैं अगर कैमरामैन की बात करूँ, तो कैमरामैन ने इतने परफेक्ट शॉट ले रखे हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे, मैंने उन सब चीज़ों में काम किया है, मुझे पता है कि भाई मूवीज़ कैसे बनती हैं और कैसे चीज़ें होती हैं। तो जो ये लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। 100% मूवी आप देख के आओ, बिना देखे कोई भी नहीं बोल सकता कि इसमें क्या चीज़ें और क्या चीज़ें गलत है। बेटर है कि इससे आप जाओ और ख़ुद से मूवी देखो, तो आपको पता लगेगा कि मूवी में क्या है और क्या नहीं है। तो प्लीज़ भाई मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, एक बार मूवी ज़रूर देखें, ज़रूर ज़रूर ये मूवी देखें,
तो आपकी समझ में आएगी कि ये मूवी कैसी है और कैसी नहीं है। लोगों के रिव्यूज पे ना जाएं, बिल्कुल भी ना सुने कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि पता नहीं, अब मार्केटिंग स्टंट है, लोगों को क्या फंडिंग हो रही है कि भाई किसी को हो सकता है लोगों को फंडिंग हो रही हो कि इसको गलत बोलो, इसको ये बोलो, उसको लोग रील चला रहे हैं यार, अननेसेसरी की इंस्टा पे रील चला रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व को ऐसे बोल दिया, हमारे राम को ऐसे बोल दिया, हमारे हनुमान में ऐसे डायलॉग बोल दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो आज के टाइम की मूवी है, 2023 की मूवी है, तो उसको आप प्लीज 2023 से कंपेयर करें और जाके देखें कि मूवी कैसी बनी है। मुझे मूवी में कोई कमी नजर नहीं आई और मुझे पूरे ढाई घंटे, ये ढाई घंटे की मूवी है, 2 घंटे 45 मिनट 46 मिनट की मूवी, मुझे एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उठ के चला जाऊँ इस मूवी से। लगातार बधे रहोगे आप इस मूवी से, बहुत अच्छी मूवी है। और मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाएं और जाके जरूर मूवी को देखें एक बार। तो भाई यही था आज का व्लॉग, इस व्लॉग को आज यही क्लोज करते हैं। और हाँ भाई, लाइक जरूर ठोक देना और जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम जी।